कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी पिछले साल 25 सितंबर की घटना को नहीं भूले हैं, जब राजस्थान में पार्टी विधायकों के गुट की बगावत के कारण पार्टी के पर्यवेक्षकों को कांग्रेस विधायक दल की बैठक किए बिना राष्ट्रीय राजधानी से लौटना पड़ा था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बुधवार सुबह जब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई, तो गांधी परिवार के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि जैसे ही शांति धारीवाल का नाम चर्चा में आया, सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए पूछा कि उनका नाम सूची में कैसे है। सूत्रों ने कहा कि जैसा कि गहलोत ने सोनिया गांधी को ये बताना चाहा कि धारीवाल साफ छवि वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री की बात टाल दी और कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान चरण के दौरान धारीवाल के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। सूत्रों ने दावा किया कि इसके बाद उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई से भी पूछा कि क्या उन्हें धारीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा कोई नाम नहीं मिला। आपको बता दें कि सोनिया गांधी जो उस समय पार्टी की अंतरिम प्रमुख थी, उन्होंने खड़गे और अजय माकन को पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बैठक आयोजित करने के लिए भेजा था। इन खबरों के बीच कि गहलोत को उनके पद से हटाकर पार्टी प्रमुख बनाया जा सकता है, हालांकि पार्टी विधायकों की बैठक नहीं होने के बाद पर्यवेक्षक दिल्ली लौट गए। बैठक से पहले गहलोत के करीबी माने जाने वाले विधायकों ने धारीवाल के नेतृत्व में मुलाकात की, जिसे गहलोत के वफादार को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुनने के लिए आलाकमान को एक संदेश के रूप में देखा गया। धारीवाल के आवास पर समानांतर बैठक से खड़गे और माकन को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और वरिष्ठ नेतृत्व के लिए चुनौती खड़ी हो गई थी। यही नहीं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वाले मंत्री धारीवाल ने सीधे तौर पर कांग्रेस आलाकमान को चुनौती दे डाली थी। धारीवाल ने कहा था कि हमारे आलाकमान तो सीएम अशोक गहलोत हैं। सियासी गलियारों में अब उनके टिकट कटने की चर्चाएं जोरों पर हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि लगातार सचिन पायलट की तरफ से इन नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी।